बंधुगण आज मुझे एमती एक चोपार चमत्कारी फायदा विषय कहबी जहाँ को आप फिंगी दिखती। हाँ बंधुगण, ताटे कमला लेंबु चोपा। अधिकांश लोक कमला खाई तहार चोपा फिंगी दिखती है। आज वीडियो देखला आपण कमला लेंबु चोपा केबे भी फिंगे ना। देखु मु कमला लेंबु चोपा को भल भाव खरारे सुखी एबे आमे एहाको ग्राइंडिंग करी भल भाव कौन सी कपड़ा बा छांकिनी सहायता रे छाणी देबा। आपण को जाणी आश्चर्य हेब जहाँ को आमे फिंगी दियंती ताहा ना केवल आम स्वास्थ्य पाई लाभदायक बरं आम सुंदरता पाई मध्य एहा बहुत अधिक लाभदायक अटे। कमला चोपारे कमला अपेक्षा अधिक विटामिन सी मिलता है। कमला चोपारे एंटीऑक्सीडेंट एवं एंटी एजिंग गुण भरपूर मात्रा रे मिलता है। देखंतु मु एहार गुंड बनाई देली। एबे आमर ऑरेंज पिल पाउडर बनी प्रस्तुत। ताहले एबे आसंतु जानिबा केउं कोउं रोग पई आमे एहाकु केउं उपाय रे प्रयोग करि परिबा। किंतु ता पूर्वर मु आपण मन कहि रखिबि जदि आपण माने जे आम चैनल को सब्सक्राइब करनांदि तबे तळे थिबा सब्सक्राइब बटन उपर क्लिक करे आम चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु एवं पाखथिया नोटिफिकेशन बेल उपर निहाते क्लिक करंतु। एहा द्वारा आम जे नूतन वीडियो अपलोड करबु ता नोटिफिकेशन आपण माने प्रथम पाई परिबे एवं आम चैनल माध्यम रो बहु किछि सिखणय जिंसा आपण माने सिखिबा को पाइबे। बंधुगण जहार लिभर फंक्शन बा जकृत क्रिया भल होना से मानाई कमला लेंबु चोपा बहुत उपकारी होता है। साधारणतः लिभर बा जकृत को खराब बोली सेते बेले कुहा जाए जेते बेले एहर एक बड़ अंश नष्ट हो जाए एवं एहर चिकित्सा करिबा अत्यंत कष्टकर बा असंभव हो जाए। अनेक कारण जकृत नष्ट हो पारे। भाइराल हेपाटाइटिस सिरोसिस अत्यधिक मद्यपान अत्यधिक तेल एवं मसलायुक्त खाद्य जकृत नष्ट हेबार मुख्य कारण होइथाय। जदि आपन को लागुछि आपनको लिभर ठीक से फंक्शन करूना तेबे आपन एक ग्लास पानी रे एमिती खंडे मिश्री पकई भल भाव गोळांतु। तापर आपन बनेथिबा एही कोमला चोपा गुंड अधा चामच एथिरे मिसांतु। दिन रे कोनोसी समय रे आपन एहर थरे मात्र सेवन करंतु। जदि किछि दिन आपन एही परि अभ्यास करि खाइबे तेबे जकृत क्रिया बा लिभर ठीक से फंक्शन करबाकु लागिबो एवं शरीर रे बल वृद्धि हेबो। अम्लपित्त बा एसिडिटी पेटरे एपरि एक रोग अटे जहाँ जठराग्निर एसिड परिमाण वृद्धि हेतु उत्पन्न हुए। गरम मसलायुक्त एवं फास्टफुड हेतु एही जुगरे प्रत्येक तृतीय व्यक्ति एही रोगरे पीड़ित। आयुर्वेद रे एसिडिटी हेबार विभिन्न कारण दिया जाइछि। अम्लपित्त बा एसिडिटी रोग को ठीक करिया पई आज आम जो एही कमला लेंबु चोपा गुंड बनाई अछे ता बहुत अधिक लाभदायक अटे। प्रथमे आपण अल्प घोल दही नियंतु सेथिरे एही कमला चोपा गुंड चिमुटाए मिसांतु। तापरे आपण एथिरे चिमुटाए सैंधव्य लुण मिसांतु एवं एहाको भल भाव मिक्स कर दिंतु। जदि घोल दही सह आपण एहाको किछि दिन अभ्यास करी खाइबे तेबे आपणको अम्लपित्त शांत हेबो एवं एसिडिटी भली समस्यारो मुक्ति मिलिबो। बंधुगण तृतीय रे कमला लेंबु चोपा हिकप्स बा हेकुटी भली समस्या को ठीक करिया पई मध्य बहुत अधिक चमत्कारी अटे। हेकुटी हेबा एक साधारण समस्या अटे। हेले अनेक लोक एमिति भी अछंती जेउ मानंकु बारंबार हेकुटी आसीथाय। अधिकांश गर्भवती स्त्री लोकंकु एही समस्या अधिक होइथाय। आयुर्वेद अनुसारे शरीर रे बात विकार एवं कफदोष कारणरु हेकुटी बा हिकप्स होइथाय। हेकुटी भई समस्या को भलो करिया पई आपण आजिर एही सहज एवं चमत्कारी होम रेमेडी को निहाते ट्राए करंतु। हेकुटी बंद करिया पई लोक पानी रो सेवन करिथांती हेले बहुत थरो पानी रो सेवन परे भी एही समस्या ठीक होइ नथाय। हेकुटी को तुरंत ठीक करिया पई आपण खंडे मिश्री प्रथमे पानी रे पकई भलो भाबरे मिसांतु। तापरे आपण बनेथिबा एही कमला चोपा गुंडरु चिमुटाए बास एतिकि मात्रा रे एही पानी रे मिसांतु। एबे एहाको भलो भाबे मिसाई एहार सेवन करंतु। देखिबे आपणको हेकुटी तुरंत भलो होइजिवो। चतुर्थ एवं शेषरे अधिकांश लोकंकर मुहरे धळा छौ बा कळा दाग देखिबाकु मिलिथाय। ताहाको भलो करिया पई मध्य एही कमला लेंबु चोपार गुंड बहुत अधिक चमत्कारी अटे। कमला लेंबु चोपा को छाई रे सुखाई चूर्ण करी कनारे छाणी कोनोसी सीसी रे स्टोर करी रखंतु। एही चूर्ण को पानी रे मिसाई मलम परी किछि दिन लगाइले पुरुणारु पुरुणा धळा दाग बा कळा दाग लिभिजिवो। जेकोणसी प्रकार दाग को भलो करिया पई एहा एक बहु पुरातन चमत्कारी होम रेमेडी अटे। निहाती थरे एहा को ट्राई करंतु। केतेक लोक कमला लेंबु चोपा को सुखाई पानरे खाइथांती। एहा पानर स्वाद बढ़ेबा सह एथिरु रोगनाशिनी शक्ति जथेष्ट परिमाणर मिलिथाय।
तेबे देखिले तो बंधुगण जो कमला लंबू चोपा आपण फिंगी दियंती ताहा हम स्वास्थ्य पई केते अधिक लाभदायक अटे। आशा करूछि आपण एही वीडियो देखि सारिला परे कमला लेंबू चोपा को केबे भी फिंगिबे नाही। जदि आजर एही वीडियोटी आपनकु टिके भलायथे तेबे ओटे लाइक करंतु एवं एमिति प्रकार वीडियो देखा पई हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। तेबे बंधुगण आज पई एतिकी पूर्ण देखा हबो को नूतन सुंदर अध्याय सह। धन्यवाद।